स्टीयरिंग कमेटी संचालन समिति की बैठक हुई। इस समिति में 45 से भी ऊपर सदस्य ने भाग लिया। प्लीनरी के एजेंडे पर चर्चा हुई। आज शाम 4:30 बजे सब्जेक्ट समिति की बैठक होने वाली है, जहां जो 6 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उस पर विचार होगा, उसको मंजूरी दी जाएगी और कल और परसों उन प्रस्तावों पर प्लीनरी में चर्चा होगी। वे करीब 10 बजे 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्लीनरी को संबोधित करेंगे। उसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी प्लीनरी को संबोधित करेंगी। उसके बाद करीब 1 बजे को, कल लंच ब्रेक नहीं होगा, 1 बजे को 3 प्रस्ताव लिए जाएंगे चर्चा के लिए प्लीनरी में। राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव और विदेशी मामलों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसके ऊपर प्रस्ताव। 1 बजे से 7 बजे तक ये 3 प्रस्ताव पर चर्चा होगा। परसों यानी कि 26 तारीख को 9:30 बजे फिर से प्लीनरी में बातचीत शुरू होगी। 3 प्रस्तावों पर, कृषि प्रस्ताव, युवा, शिक्षा और रोजगार का प्रस्ताव और सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रस्ताव। कल सुबह 10:30 बजे लगभग 10:30 बजे सॉरी माफ कीजिएगा परसों लगभग 10:30 बजे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी प्लीनरी को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रस्तावों पर चर्चा फिर से शुरू होगी। 2 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष का अंतिम भाषण होगा इस प्लीनरी में और 3 बजे 4 बजे नहीं, कल मैंने आपको 4 बजे का समय का संकेत दिया था, परसों 3 बजे पब्लिक रैली होगा जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी उस पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। आज मैं जानता हूं आप लोग यहां क्यों बैठे हुए हैं, बड़े उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह करीब 2.5 घंटे के लिए CWC में यानी स्टीयरिंग कमिटी में खुलकर बातचीत हुई। करीब सभी सदस्यों ने अपनी राय रखी, बातचीत हुई और सर्वसम्मति से, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आम सहमति नहीं, सर्वसम्मति, सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमिटी ने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए CWC के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। एक तो हमारे देश में जो राजनीतिक हालात जो आज हैं, जिसका एक मिसाल आपको कल देखने को मिला, जो राजनीतिक चुनौतियां हैं देश के सामने और विपक्ष की मुख्य पार्टी होने के नाते कांग्रेस के सामने, इसको मध्यनजर रखते हुए
ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। एक और बात मैं कहूं कि हमारे पार्टी के संविधान में बड़े महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव है और इस पर भी विचार होगा प्लीनरी में, और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो संविधान में, हमारे पार्टी के संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है, करीब 16 प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है और करीब 32 नियमों में, आप जानते हैं संविधान में प्रावधान होते हैं और प्रावधान को क्रियान्वयन करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, करीब 16 प्रावधानों में संशोधन और करीब 32 नियमों में संशोधन प्रस्ताव है। आज उस पर भी विचार हुआ है, सब्जेक्ट्स कमेटी में इस पर विचार होगा, प्लीनरी में विचार होगा, और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और युवाओं का प्रतिनिधित्व हमारे पार्टी के संशोधन में सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण बड़े कारण हैं। सवाल आप करेंगे क्यों हम कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दे रहे हैं सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं, बड़े कारण हैं। हमारे देश में जो आज राजनीतिक हालात हैं, जो देश के सामने राजनीतिक चुनौतियां हैं और जिसमें विपक्ष की मुख्य पार्टी होने के नाते जो भूमिका हमें निभाना है, उसको मद्देनजर रखते हुए सदस्यों ने कहा कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए CWC के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। और दूसरा बड़ा कारण यह है, क्योंकि हमारे पार्टी के संशोधन में ये परिवर्तन हम कर रहे हैं, जो संशोधन ला रहे हैं, खास तौर से कमजोर वर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए और अल्पसंख्यक के लिए, हमारे पार्टी के संविधान के प्रावधानों में ही उनका प्रतिनिधित्व हम सुरक्षित कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं और सुरक्षित भी कर रहे हैं दोनों। तो इन दो कारणों पर विचार हुआ और सर्वसम्मति, मैं बार बार कहता हूं, सर्वसम्मति से, कई लोगों ने एक हाथ उठाए और ज्यादातर सदस्य दोनों हाथ उठाए, तो आपको महसूस होगा कि सर्वसम्मति की भावना हमारे स्टीयरिंग कमेटी में, संचालन समिति में कितना गहरा था। तो ये निर्णय आज हमने लिया है। दोपहर को सब्जेक्ट्स कमेटी प्रस्तावों पर, हमारे पार्टी के संविधान के संशोधन पर और चर्चा करेगी, पर ये संशोधन आएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि ये संशोधन को सभी AICC सदस्य, सभी PCC सदस्य इसको 100% समर्थन करेंगे। तो साथियों, ये रहा आज के बैठक के बारे में।
शाम को सब्जेक्ट्स कमेटी के बाद में 7 बजे या 7:30 बजे मैं फिर से आपको ब्रीफ करूंगा कि सब्जेक्ट्स कमेटी ने क्या निर्णय लिया है। पर मैं पहले ही बता दूं, सब्जेक्ट्स कमेटी प्रस्तावों को मंजूरी देगी और जो संशोधन है प्रावधानों में संशोधन, 32 नियमों में संशोधन, उसको भी मंजूरी देगी ताकि कल और परसों प्लीनरी में उस पर विचार हो।